हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ईगल और काइट के बीच के डिफरेंसेस देखने वाले हैं। अगर आप इनके डिफरेंसेस जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नहीं जानते हो या फिर अगर आप पहले से जानते हो ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, तो फिर आप जान पाओगे कि आप जिसे देख रहे हो ईगल है या काइट। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। ईगल जो होता है वो एक बड़े साइज़ का बर्ड होता है, बर्ड ऑफ प्रे यानी शिकारी बर्ड। लेकिन जो काइट होता है वो मीडियम साइज़ का बर्ड ऑफ प्रे होता है। ईगल हैज़ ए बिग हेड यानी उसके पास एक बड़ा सिर होता है, लेकिन काइट के पास एक छोटा सिर होता है। ईगल की चोंच बड़ी सी होती है, लेकिन काइट की चोंच छोटी होती है। ईगल के जो पंख हैं वो लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन काइट के जो पंख हैं वो लंबे और पॉइंटेड होते हैं। ईगल के पास एक फैन शेप की टेल पूंछ होती है, लेकिन जो काइट है उसके पास एक वी शेप की टेल होती है यानी पूंछ होती है। ईगल्स के कलर्स गोल्डन, ब्लैकिश ग्रे और ब्राउन होते हैं, लेकिन काइट्स के कलर्स ब्लैक, ग्रे और ब्राउन होते हैं। ईगल्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सी ईगल और लैंड ईगल्स, लेकिन काइट्स के अराउंड 30 स्पीसीज होते हैं इस वर्ल्ड में। ईगल्स के नेस्ट बहुत बड़े होते हैं और 6 फीट तक चौड़े होते हैं। वो अपना नेस्ट जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं आइरीज, और ये लंबे लंबे पेड़ों पे या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचे क्लिफ्स पे बनाए जाते हैं। वही दूसरी ओर जो काइट्स होते हैं वो अपना नेस्ट ट्विक्स, स्टिक लाइंस और ग्रास के साथ एक लंबे से पेड़ में किसी वाटर सोर्स के पास वाले लंबे से पेड़ में बनाते हैं। ज़्यादातर स्पीसीज़ ईगल्स की वो दो वाइट अंडे देती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर काइट्स की स्पीसीज होते हैं वो जो कलर के अंडे देती हैं वो होते हैं वाइटिस या फिर लाइट ब्लू। और ये ईगल दो अंडे देते हैं, ये 260 अंडे देते हैं। और इनके जो अंडे होते हैं इनमें एक और ख़ास बात है कि इनमें ब्राउन डॉट्स होते हैं। द इनक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 35 to 45 days, लेकिन यानी कि जो ईगल्स की इनक्यूबेशन पीरियड है वो 35 से 45 days होते हैं, और जो काइट्स के इनक्यूबेशन पीरियड है वो 30 to 40 days होते हैं। जो ईगल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल हंटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेन शिकारी होते हैं, और वो अपने शिकार को ज़मीन पे लैंड किए बिना इसको पकड़ के उड़ सकते हैं। लेकिन जो काइट्स होते हैं वो इतने स्ट्रेंड नहीं होते, वो रेप्टाइल्स और स्नेल्स से लड़ते हैं, लेकिन वो दूसरे बर्ड्स का खाना भी उनसे हवा में ही छीन सकते हैं। तो ये था आज का डिफरेंस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।